हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एमकेडियर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम के यूआरएल को कस्टम यूआरएल कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड, जब भी हम लोग कोई भी अपना इंस्टाग्राम या कोई सा भी अकाउंट बनाते हैं तो उस समय वो यूआरएल बहुत बड़ा होता है, तो उसको छोटा करने के लिए उसे कस्टम करना पड़ता है, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने यूआरएल को छोटा कर सकते हैं या कस्टम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अपने इंस्टाग्राम के यूआरएल को कस्टम यूआरएल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना होगा। तो यहां पर मेरा इंस्टाग्राम ऐप है, इसे मैं ओपन कर दे रहा हूं। ओपन करने के बाद फ्रेंड, यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस कोने वाले पे यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने अकाउंट वाले पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो कोने फोटो दिखता है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं लिखा रहेगा एडिट प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं नेम, यहाँ पे जो आपका नेम रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद ये यूजर नेम, यूजर नेम जो आपका नेम रहता है उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली वो ले लेता है यूजर नेम। तो इसीलिए आप जो चाहते हैं वो उस हिसाब से नहीं रहता है। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे हमने यूजर नेम अपना टेक्निकल एमकेडियर कर लिया, मतलब कस्टम बना लिया पहले से ही। आप लोगों का अगर यहाँ पे मान लीजिए जो नाम है उसी हिसाब से अगर आप यूजर नेम रखना चाहते हैं, जो भी आप यूजर नेम रखना चाहते हैं यूजर नेम में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जब उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के लिए यहाँ पे आप इसको हटा करके और जो भी यूजर नेम आप रखना चाहते हैं रख करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ लिख दे रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं टेक लिख दे रहा हूँ, तो टेक लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम टेक इज नॉट अवेलेबल। अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो यहाँ पे लिख देगा कि नॉट अवेलेबल है। अगर जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं अगर वहाँ पे अवेलेबल रहेगा तो वो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टिक जो लगा है ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा टेक्निकल एमकेडियर है, तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल एमकेडियर मैं लिख दिया, उसके बाद ये अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं ये टिक लगा हुआ है। जो भी आप लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं, अवेलेबल रहेगा तो यहाँ पे टिक लग जाएगा। उसका टिक पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। टिक पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं आपका यूजर नेम यहाँ पे आ जाएगा। चेंज करने के बाद फ्रेंड यहाँ से आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे फिर से आप वापस चले आएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने इंस्टाग्राम के यूआरएल को कस्टम यूआरएल बना सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना कस्टम यूआरएल बना लेते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड, ये रही छोटी सी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।